जैसे कि अब तक हम लोग काफी हद तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, सिमिलरली इसी तरह का एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप इमेज की सूरत में देख रहे हैं इसे हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर को जो है हम लोग यूजली इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इससे लाइट के स्पेक्ट्रा को डिस्पर्स करके ये देख सकें कि कितनी वेवलेंथ पे कंसिस्ट है, मतलब इसमें कितने कंपोनेंट हैं और जितने भी कंपोनेंट उस लाइट में होंगे उन कंपोनेंट्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी है और फ्रिक्वेंसी कितनी है। जब स्पेक्ट्रोमीटर को आप लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, यूजली फिजिक्स लैब में जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जो है इसे सोडियम लाइट का स्पेक्ट्रा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बात की थी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो हम लोगों ने कहा था कि जो सोडियम लाइट है उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। मीन्स हमने कहा था जो सोडियम लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, सोडियम लाइट यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ पे कंसिस्ट होती है। हम किसी भी सोर्स के लिए मोनोक्रोमेटिक होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात है क्योंकि एक सिंगल वेवलेंथ रखना बहुत ज्यादा ही मुश्किल चीज होती है। सोडियम लाइट को हम लोग कहते तो हैं कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर लाइट सोर्सेस हम इसे जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। वैसे ये मोनोक्रोमेटिक होती नहीं, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है इसकी दो तरह की वेवलेंथ आती है। इसकी जो वेवलेंथ है वो दो वेवलेंथ होती है और दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, यानी कि इसे आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि इसकी एक वेवलेंथ जो है वो 2890 है और दूसरी जो वेवलेंथ है वो 2896 है। और आप देख सकते हैं कि दोनों की वेवलेंथ में सिर्फ 6 डिजिट्स का फर्क आता है, जबकि अगर आप व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा देखें, व्हाइट लाइट चूंकि आपको मालूम है कि जो व्हाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है, उसमें 7 रंग है और मुख्तलिफ रंगों की अपनी अपनी वेवलेंथ और अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। जैसे कि ये लाइट का स्पेक्ट्रा है इसमें आप देख सकते हैं कि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है जो कि 800 नैनोमीटर है। सिमिलरली जो है इसी तरह से वेवलेंथ 700, 600, 500, 400 यानी कि इनके अंदर तकरीबन 100 का डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा है, और हमारी जो सोडियम लाइट है उसके अंदर सिर्फ 6 डिजिट का ही फर्क है। इसलिए हम लोग जो है सोडियम लाइट को कहते हैं कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि काफी हद तक मोनोक्रोमेटिक उसे कहा जाता है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज जो है, क्योंकि उनके लिए जो है मोनोक्रोमेटिक होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और सोडियम चूंकि उसकी दो ही वेवलेंथ है और दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, वैसे सिक्स इतना माइन्यूट भी नहीं होता, लेकिन एज कम्पेयर टू लाइट स्पेक्ट्रा हम उसे कह सकते हैं कि वो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्योंकि 100 और 6 काफी मेजर डिफरेंस है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर दो डिजिट है यानी कि 2890 और 2896 तो इनके दरमियान 6 का डिफरेंस है, और लाइट के स्पेक्ट्रा में आपने देखा कि 800 फिर 700 नैनोमीटर फिर 600 नैनोमीटर, मींस वहां 100 का डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन पे। जो स्पेक्ट्रोमीटर है ना इससे हमें जो है सोडियम लाइट का स्पेक्ट्रा नजर आता है, मतलब हम सोडियम लाइट इस्तेमाल करते हैं और बकायदा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि आया कि सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ हमें ऑब्टेन होती है प्रैक्टिकली उसमें कितना डिफरेंस आता है। ये काम तो हम लैब में करते हैं। इसके अलावा जो हम डेली लाइफ है यानी कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में टेलीस्कोप को जो है इसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग आउटडोर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोप में, फिर स्पेक्ट्रो एनालिसिस में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम इसे मोनोक्रोमेटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इसके कुछ यूजेस हैं कि हम इसे इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि अब हम इसे किस तरह से ऑपरेट करते हैं, यानी लेबोरेटरी लैब वगैरह में, फिजिक्स लैब में हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या अपनी डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग कोलीमीटर कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये कोलीमीटर है, ये कोलीमीटर है। ये वाला जो पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं जो कि टर्न सर्कुलर शेप में, इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये हमारा टर्न टेबल है, ये हमारा टर्न टेबल है। और ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं ये टेलीस्कोप है। अब इन तीनों चीजों का काम क्या है, यानी कि तीनों पार्ट्स, ये तीन मेजर पार्ट्स हैं, इनका काम ये है
कि कोलिमीटर जो है वो लाइट की रेस को, यहाँ पर ना हमारे पास जब हम इसमें लैब में काम करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक लैंप सा लगा होता है, उस लैंप के अंदर हम लोगों ने सोडियम लाइट को रखा होता है, यानी कि यहाँ से सोडियम लाइट जो है वो इस तरह से इसके ऊपर पड़ रही होती है और लाइट इसके अंदर से कोलिमीटर से पास होने के बाद यहाँ पर आती है। ये चीज जो है हमारी डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, डिफ्रेक्शन जो हमारी स्लिट थी, इसे डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग स्लिट कह लीजिए। इसके बाद ये टेलीस्कोप है। हम लोगों ने डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया, इसकी भी एक रीजन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोमीटर का जो ऑपरेटर है, स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये काम करता है, इसमें इसमें कोलिमीटर जो है वो भी आ जाता है, इसके अलावा इसमें टेलीस्कोप का प्रिंसिपल भी आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को इस्तेमाल करने का पर्पस है वो यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। आप जानते हैं कि यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने लाइट को पास करने के बाद लाइट की जो है इंटरफेरेंस देखी थी कि लाइट कहाँ पर ब्राइटनेस और कहाँ पर डार्कनेस शो करती है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को देखते हैं कि कोलिमीटर का फंक्शन क्या है। कोलिमीटर जो है हमारे पास जो है कोलिमीटर इस तरीके से होता है कि यहाँ पर जो है ये फर्ज कर लीजिए कि ये हमारा कोलिमीटर है, इसे लेट्स सपोज कि मैं कह देती हूँ ये हमारा जो है कोलिमीटर है, इस तरह से कोलिमीटर होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी सी डायग्राम बन जाए ताकि आपको समझ आ सके। ये हमारा टर्न टेबल है, टर्न टेबल के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है टेलीस्कोप होती है जिसके जरिए हम देख सके। आपको मालूम है कि टेलीस्कोप को जो है हम लोग इमेज वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एडजस्टमेंट होती है, इसे हम लोग कोलिमीटर एडजस्टमेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ पर दो एडजस्टमेंट लगी होती हैं। जैसे कि ये कोलिमीटर है, बल्कि एक स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कोलिमीटर है, इसे हम लोग कहते हैं, ये हमारा कोलिमीटर आ गया। अब कोलिमीटर का फंक्शन क्या है, और ये जो चीजें ना जो आप ये देख रहे हैं ये जो है ये एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। जैसे कि ये कोलिमीटर के साथ लगा है तो हम इसे कहेंगे ये कोलिमीटर एडजस्टमेंट स्क्रू है। यहाँ पे लिख देना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट स्क्रूज है। सिमिलरली ये यहाँ पर भी स्क्रूज लगे होते हैं, यहाँ पर टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। होता क्या है कि हमें मालूम है यहाँ पर हमारे पास एक लैंप लगा हुआ है, उस लैंप के अंदर से सोडियम लाइट आ रही है। वो जो सोडियम लाइट आती है उससे कोलिमीटर ये करता है कि सोडियम जो कोलिमीटर है वो लाइट को इस तरह से एडजस्ट करता है, इस तरह से उन्हें एडजस्ट करता है कि जो लाइट रेस आ रही हैं उन्हें ये पैरेलल कर देता है। और पैरेलल करने के बाद ये जो चीज है यहाँ पर हमारे पास लेंस लगा होता है और ये जो चीज है यहाँ पर स्लिट पड़ी होती है, यानी कि ये वाले हिस्से पर एक स्लिट होती है, इसे स्लिट कह देना चाहिए। और स्लिट यहाँ पर यानी कि इस तरह से है, इस तरह से हमारे पास एक स्लिट पड़ी होती है। कोलिमीटर ये काम करता है कि लाइट की रेस को पैरेलल करता है और इन्हें एडजस्ट करता है स्लिट और लेंस के दरमियान। ये हमारा लेंस है, इससे पास होने के बाद यानी कि यहाँ से लाइट की रेस जब गुजरती है तो इसके बाद लाइट की रेस जो है हमारे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे पड़ती है। ये जो चीज है ये हमारी डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, हमारी जो है ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग स्लिट पड़ी है, स्लिट है। इसके बाद डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग स्लिट से गुजरने के बाद आपको मालूम है कि लाइट कहीं पर मैक्सिमम शो करती है ब्राइटनेस और कहीं पर मिनिमम ब्राइटनेस शो करती है, जिसे हम लोग डार्कनेस कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रा आ जाता है, एक रेंज आ जाती है जिससे हमें मालूम चल जाता है कि आया कि कहाँ पर हमारे पास डार्कनेस थी, कहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस थी, यानी कि हमें फ्रिंजेस मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग से गुजरने के बाद जो है लाइट रेस जो है वो हमारे पास यहाँ टेलीस्कोप से पास होती है, यानी कि इसमें से गुजरने के बाद जो है ये टेलीस्कोप तक पहुंचती है और टेलीस्कोप से जो है हम लोग इसे देख लेते हैं, यानी कि टेलीस्कोप को हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक घुमाते चले जाते हैं
और हम इसे देखते चले जाते हैं कि कहाँ पर हमें ब्राइटनेस और कहाँ पर हमें डार्कनेस नजर आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं रीडिंग्स वगैरह को। अब रीडिंग्स को हम लोग कैसे नोट करते हैं, ये जो हमारे पास टर्न टेबल है, इस टर्न टेबल के ऊपर दो हमारे पास जो है इस तरह से दो सर्कुलर बने होते हैं, यानी कि दो सर्कुलर टेबल होते हैं, यानी कि एक ये सर्कल होता है और एक नीचे वाला सर्कल होता है। एक सर्कल जो है वो वर्नियर स्केल होता है और नीचे वाला जो होता है वो मेन स्केल होता है। जो वर्नियर स्केल है उसका काम ये है कि वो मिनट्स में जो है रीडिंग बताता है, और जो हमारा मेन स्केल है वो डिग्री में हमें रीडिंग्स बताता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हम लोग टेलीस्कोप को आहिस्ता से घुमाते हैं लेफ्ट की तरफ और फिर राइट की तरफ, और नोट डाउन कर लेते हैं कि राइट पर जाते हुए हमें जो पहला मैक्सिमा नजर आया है या पहली जो ब्राइटनेस नजर आई है वो कितने मिनट और कितने डिग्री पर नजर आई है, और जब हम लोग वापस आ रहे थे हम लोग राइट साइड पे भी जाके देखते हैं उसी ब्राइटनेस को, पहली ब्राइटनेस को चेक करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा को, कि अब वो कितने डिफरेंस पे आया है, मतलब कि अब उसका जो एंगल है एक्चुअली में ये हमें एंगल बताता है। टर्न टेबल जो है जाहिर सी बात है हमें वर्नियर जो है जो वर्नियर स्केल है हमारे पास ये वर्नियर स्केल हमें जो है ये रीडिंग्स बताता है मिनट में, ये हमें मिनट में रीडिंग बताता है, और जो हमारा मेन स्केल होता है मेन स्केल वो हमें डिग्री में रीडिंग बताता है, यानी कि अब हमारे पास एंगल निकल आया। आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स में हम जो डिग्री और मिनट्स हो या सेकंड हो उन्हें हम लोग जो है वो एंगल निकालते हैं, उन चीजों से हम लोग एंगल निकालते हैं। जब हमारे पास एंगल आ जाता है तो इससे हम लोग साइन एंगल निकाल लेते हैं, और साइन एंगल के बाद चूंकि मैंने कहा कि हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि आप वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। यंग्स ने ये कहा कि आप वेवलेंथ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो लैम्डा है वो आपका डी साइन थीटा, यानी कि एन लैम्डा जो है वो डी साइन थीटा के इक्वल आता है। अब क्या फर्क है कि जो डी है ये तो हमारे पास स्पेसिंग है, ये हम आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्लिट इस्तेमाल की है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्लिट में आपको मालूम है कि कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, ये 400, 500, 1500, इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं कि ये एक सेंटीमीटर में एक मिलीमीटर में कितनी ज्यादा लाइंस आ सकती हैं। ये हमें डी मिल जाता है, डी हम वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो एन है एन इस फॉर्मूले में हमें ये बता रहा है कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम लोग इस तरह से अपने टेलीस्कोप को मूव कर रहे हैं कि हम सिर्फ पहला मैक्सिमम ब्राइटनेस देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमम ब्राइटनेस को देखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग क्रस्ट को यानी कि हम लोग जो है वो ब्राइटनेस को देख रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वहां पर जो एन की वैल्यू है वो पुट करने से हमारे पास जो लैम्डा है वो डी साइन थीटा बाय एन की वैल्यू पुट करने से इजिली कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग सोडियम का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग बाकायदा जो है फिजिक्स लैब में करके देखते हैं कि आखिर किस तरह से जो है स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मालूम है कि स्पेक्ट्रोमीटर में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को बेस इसलिए बनाया गया क्योंकि यंग्स के मुताबिक जब भी किसी स्लिट में से, जैसे कि यंग्स ने यूं किया था कि इसने डबल स्लिट इस्तेमाल की थी और डबल स्लिट से जैसे ही लाइट पास हुई थी तो इसने डिफ्रेक्शन शो की और कुछ पॉइंट पर जाकर लाइट रेज आपस में मिली थी और उन्होंने इंटरफेरेंस शो करके कहीं पर मैक्सिमम हमें ब्राइटनेस दी थी और कहीं पर डार्कनेस। तो इस तरह से हमें पता चल गया था कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। चूंकि यंग्स ने भी एक लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स ही यूज किया था, सिमिलरली हम लोगों ने भी सोडियम को ही यूज किया ताकि ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सके, इस बात को प्रूव कर सकें कि सोडियम जो है वो मोनोक्रोमेटिक है या नहीं। सोडियम जो है वो मोनोक्रोमेटिक समझी जा सकती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसकी सिर्फ दो ही वेवलेंथ आती है और उनमें भी बहुत माइनूट सा फर्क है। तो ये जो है स्पेक्ट्रोमीटर का काम है कि इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। कोलिमीटर जो है वो लाइट की रेस को पैरेलल करने के लिए और उन्हें स्लिट और लेंस के दरमियान एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टर्न टेबल का फंक्शन ये है कि टर्न टेबल के अंदर एक हम डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग स्लिट रखते हैं जो कि लाइट को जो है उसमें से पास कराने के बाद हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस और डार्कनेस देती है। इसके अलावा टर्न टेबल के ऊपर एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल होता है। वर्नियर स्केल हमें मिनट्स में डिग्री बताता है और जो मिनट्स में बताता है वैल्यू,
और जो मेन स्केल है वो हमें डिग्री में बताता है. तो उन्हें हम लोग कैलकुलेट करके एंगल निकालते हैं और फिर साइन एंगल निकाल लेते हैं. इसके अलावा ये जो हमारे पास यहाँ पर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है वो इन्फिनिटी से है. क्योंकि आपको मालूम है कि टेलीस्कोप जो है वो इमेज इन्फिनिटी चीजों का बनाता है, यानी कि बहुत दूर दराज की मौजूद चीज को देखने के लिए. तो टेलीस्कोप में हम लोग ये चीज एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर पड़ा है, तो इसलिए हम जो है वो टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हैं. तो ये चीजें थी कि आप इस्तेमाल क्यों करते हैं. और जो स्पेक्ट्रोमीटर है इससे आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स कर सकते हैं, इसे आप आउटडोर लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी यूजेस हैं, जिस तरह हम लोग टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो है स्पेक्ट्रोमीटर वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो होप्स आपको काफी हद तक स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में समझ आ चुका होगा कि इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्यों इस्तेमाल करते हैं.